उत्तराखंड की बेटी मनीषा वोरा ने पेश की मिसाल। दूसरी महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा। मनीषा बोरा बनी उत्तराखंड की पहली फूड डिलीवरी गर्ल। माँ एक ऐसा शब्द जिसके महत्व के विषय में जितनी भी बात की जाए वो कम ही है। हम माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ के महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए लेकिन माँ का नाम लेना नहीं भूलता है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपनी संतान को अच्छे से अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम एक माँ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो चलो आपको पूरा मामला ही बता देते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है और ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि एक माँ की है जो अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए उधम सिंह नगर जिले में एक फूड डिलीवरी का काम करती है। इस महिला का नाम है मनीषा। ये बीते कुछ महीने पहले से ये काम कर रही है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बता दें कि चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र की रहने वाली मनीषा बोरा काम की तलाश में 2 महीने पहले ही रुद्रपुर आई थी। कई जगह पर रोजगार की तलाश करने के बाद भी जब जॉब नहीं मिली तो एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना फूड डिलीवरी का काम किया जाए। तो अगले दिन उन्होंने स्विगी से जुड़े युवक से स्विगी के बारे में जानकारी ली जिसके बाद वो स्विगी में काम करने लगी। मनीषा रुद्रपुर से लेकर गदरपुर, पंतनगर और किच्छा तक फूड डिलीवरी करने जाती हैं। आज मनीषा दूसरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। वही मनीषा बताती हैं कि जब उसने इस काम की शुरुआत की तो उन्हें शुरुआत में ये काम काफी मुश्किल लगता था लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें ये काम समझ में आने लगा तो उसके बाद उन्हें ये काम अच्छा लगने लगा। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं से बस इतना कहना चाहती हूँ कि कठिन कुछ भी नहीं होता, आपको अपने बेहतर के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा और जब संघर्ष करोगी तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि आजकल ना लड़कियों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए, किसी और के भरोसे कुछ नहीं होगा। अपने एक तो पैर पे खड़े रहोगे तो लोग पूछते हैं, वरना कोई नहीं पूछता। कि आप ये विख्यात हुए हैं अचानक से, आपकी वीडियो वायरल हुई और उसके बाद जो है आप एक ऐसी मात्र महिला हैं जो कि डिलीवरी का काफी करती है, क्या कहेंगे? सर देखिए, डिलीवरी तो मैं कर रही थी, मुझे 20 से 25 दिन शायद हुए थे जब मैं डिलीवरी कर थी। तो एक ब्लॉगर सर थे, उनका नाम था सैम, शायद उनका नाम सैम था, उनका नाम भी मुझे अच्छे से नहीं पता। तो मैं वहाँ पे ना अपना ऑर्डर लेने गई थी, वो वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने मेरा ब्लॉग बनाया था, उन्होंने वो वीडियो बना के अपनी कहते हैं ब्लॉग अपना फेसबुक पेज या वगैरह किसी में भी पता नहीं किस किस में डाल दिया था उन्होंने। तो इस वजह से लोग कुछ ज्यादा जाने लगे, तो मैं कहीं भी चलती हूँ लोग पूछते हैं तो अच्छा लगता है। पुरुष प्रधान समाज में आज भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जाता जिस सम्मान की वो हकदार हैं। पहाड़ी राज्यों में महिलाएं आज भी घर की चार दीवारी को लांघने से पहले 100 बार सोचती हैं। लेकिन 2 बेटियों की मां मनीषा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।